गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम। हम रामनगर में हमने यहाँ पर स्टे किया था रात में। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हनुमान धाम। यहाँ से बहुत ही पास में हमारे होटल से 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो सुबह सुबह 8 बज रहे हैं, भी दर्शन करके आते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और रात का हमने पूरा इसका ब्लॉग शूट किया, आप देख लेना, बहुत मस्ती की है इससे पहले वाला ब्लॉग। तो अभी चलते हैं हनुमान धाम। मैं तो सोया लग रहा हूँ। हम दोनों ने साड़ी वेयर की है, कैसे लग रहे हैं हम लोग? क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो ये साड़ी वाड़ी पहन कर थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस चलते हैं। और जो बच्चे हैं ना वो नहीं आ रहे। वो बोल रहे हैं हम स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएंगे सुबह सुबह। वो देखो ये तीनों ही खेलने में लगे हैं। और वो भैया अभी साफ कर रहे हैं पूल, फिर थोड़ी देर में ये वहीं कूदते रहेंगे। तो गाइस हम अपने होटल से निकल चुके हैं और अब बस पहुंचने वाले हैं हनुमान धाम। आपको आगे लिखा दिख रहा होगा बोर्ड, एक हनुमान धाम यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बस। तो बस अब अंदर को मूव करेंगे हम, वहाँ पर जो एक रास्ता है और वहीं से जाएंगे। 1.5 किलोमीटर अंदर हनुमान धाम है। सुबह सुबह जल्दी हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाए और क्या चाहिए ना मेरा जी। तो बस अंदर को घूमते हैं यहाँ से। थोड़ा सा आगे है लिखा यहाँ पर है ना, लेकिन जहाँ से ऑटो घूमना ये है छोई 0 किलोमीटर। हाँ छोई में है ये, रामनगर से 7 किलोमीटर पहले। ये वो रास्ता है जहाँ से अंदर को जाते हैं गांव की साइड को। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर है, बस पहुँचते हैं फिर करवाते हैं आज आपको बजरंगबली के दर्शन। बाबरे लगाओ लगाओ दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ। ये हमारे साथ देखो दीप्ति मैडम आई हुई है, ये बैठी हुई है। मेरा जी ड्राइवर साहब है और मैं कंडक्टर, ये मैडम बैठी है। मैडम चलिए हमको ले जा रहे हैं, टिकट काटो चलो इनका। अरे कंडक्टर काटेगा ना। अच्छा हमारा डिवेट टिकट बता दो, टिकट दो मैडम, टिकट दो। बताओ बताओ कितना हुआ? ज्यादा नहीं, बस एक चेक काट दो 1 लाख का। अभी तो अभी अभी होटल जाके हम तुम्हारा चेक काटते हैं। आज मौसम भी अच्छा है। मेरा जी को छोड़ दे। राज के चिकित्सक क्या बोल रही है? राज के पशु चिकित्सालय में का मैनेज कर दे, छोड़ दे। बीमार थोड़ी हो रहा हूं। कोई बात नहीं, हेल्थ चेकअप करा लेंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हनुमान धाम पे, आपको सामने दिख रहा होगा खुला हुआ है मेरा जी। तो बहुत लोग आ चुके हैं और हम लोग सुबह सुबह 8:30-8 बजे आ गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मंदिर के दर्शन यार सुबह सुबह होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना खाए पिए अच्छे से, मतलब ना नहा धो के बिल्कुल बढ़िया से हम पहुँच चुके हैं। तो ये हर की मार्केट, जब मेरा जी हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे कुछ भी नहीं था ना यहाँ, कोई मार्केट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आज देखो यहाँ पर पूरा मार्केट बन चुकी है खतरनाक वाली, होटल्स बन चुके हैं इतने बढ़िया बढ़िया। और ये देखो आपको कोई भी प्रसाद लेना है, कुछ भी लेना है, खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये है विशाल हनुमान धाम। तो ये हम आ चुके हैं गोलजू आशीर्वाद प्रसाद वालों के यहाँ। तो ये पाव भर दे दीजिए बेसन के लड्डू। कितना करना है? पाव भर दो जो करने हैं। ये अलग अलग कैसे हैं कलर? कौन सा लेना? ये तो पेड़ा है। अच्छा वो पेड़ा है, वही देना। बेसन लड्डू कितने कितने के? ये 100 रुपये के। ऐसा करना भैया ये दो डाल दो, बाकी वाले बेसन के डाल दो। तो हम लोग ने यहाँ पर मिक्स मैच करा दिया है, आपको सुबह सुबह मैं दर्शन करा देती हूँ मस्त मस्त मिठाई की। ये सर से आपको थाली भी मिल जाएगी यहाँ पर। भैया यहाँ पर कैसे शुरू होता है मतलब दर्शन? 6 बजे से। तो प्रसाद ले लिया है हमने, अब हम सारे वो चले गए मेरे साथ। तो बोलो जय बजरंग बली। बहुत बड़ा बना है, हमने इसके पीछे जो आया ना गार्डन में बैठ के खाना खाया था उस दिन जब आए थे। गाइस अब हम ऊपर को जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दीप्ति मैम कैसा लग रहा है आपको? पहली बार आ रही है आप हनुमान धाम? फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था। मांग के जाएंगी आज? क्या क्या मांग के जाएंगी आज? बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, वो भगवान जी जानते हैं। वो देखो महाराज जी आ गए हैं। तो महाराज जी कैसा लग रहा है आपको हनुमान धाम में सुबह सुबह आके? श्री राम जय वीर हनुमान। हम पहुंच चुके हैं हनुमान धाम के अंदर। जय वीर बजरंगी, आप भी दर्शन कर लीजिए, जो भी मांगनी है मांग लीजिए। जय हो भगवान जी। तो ये हमको प्रसाद मिल गया है और मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। आप हम यहाँ पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा और सामने है मंदिर। जय वीर बजरंगी, जिसको जो विशेष मांगनी है मांग लीजिए। और ये तिम्मो और दीप्ति मैडम आ गई हैं परिक्रमा करके, वो ले आओ फिर हनुमान चालीसा की बुक तुम लोग भी। तो अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं फिर थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। जय हो। हम लोग
बैठे हुए हैं हनुमान धाम में, और हमने हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लिया है। यहाँ पे छोटी छोटी जो हनुमान चालीसा की बुकें हैं वो यहाँ पे रखी रहती हैं, आप यहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं। इस तरह से रोशनी रोशनी आ रही है, तो बोलो जय श्री राम और जय हनुमान। तो निकलते हैं अब यहाँ से आगे। तो ये दर्शन करके आ गए हैं भक्त लोग कि हमारा प्रसाद है, बजरंगबली का प्रसाद, बजरंगबली हमारे साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूवर्स जो लोग देख रहे हैं उनकी भी सारी विशेष कामनाएं करें और हमारी भी करें। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मतलब आनंद आ रहा। मैं तो 3-4 बार आ चुकी हूँ, ये मैडम पहली बार आ रही है, फर्स्ट टाइम, तो इनको बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा फिर आपको? मुझे तो लगता है अच्छा। ट्यूजडे को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है क्योंकि कहते हैं ना मंगलवार को बजरंगबली का वार होता है, मंगल को जन्मे और मंगल ही करते। ये है चारों तरफ से हनुमान धाम का व्यू। तो यही हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं श्री दुर्गा मंदिर पे। इस साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे महादेव का मंदिर है। दीप्ति मैडम कान में बोल रही हैं नंदी के, बहुत कान में बोल रही हैं। पहले मैंने लिख इनको बोल दो। नहीं यहाँ से बोलते हैं कह रहे हैं। हाँ, यहाँ तिमू विश मांग रही है और ये है हनुमान धाम और यहाँ पे है भोले बाबा का मंदिर। तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और जो मंदिर के पास जितने भी मंदिर हैं जैसे वैष्णो ये देवी माता का और महादेव का मंदिर और मैंने तो सबके भी दर्शन कर लिए। यहाँ पर जो भोलेनाथ का मंदिर है उसके बाहर से नंदी जी हैं और हमेशा कहते हैं ना नंदी जी के कान पे कुछ बोलो तो विश पूरी होती है, तो हमने तो तल करा दी नंदी जी को। दीप्ति मांगी इससे भी मांगी भैया, दोनों कानों से कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने एक कान से दोनों कानों से मांगी है, दो नहीं से दो से नहीं मांगते एक से मांगते हैं। का मैं स्पेशल हूँ, मैं दो कानों से मांगूंगी। तो हमने अपनी विश पे मांगी है, जल्दी पूरी करेंगे हमारी विश और सब दर्शन कर लीजिए। हम वापस जा रहे हैं गाइस, अभी हम चलते हैं आगे को। बच्चे हमारे आज वहीं हैं क्योंकि बगल में रिजॉर्ट है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको छोड़ के आ गए हम लोग। वो बोले थे हम पूल में नहाते वहाते हैं, अभी चलते हैं होटल दिखाते हैं आपको। चलो रिजॉर्ट में वापस आ चुके हैं और वो बच्चे देखो ये हमारे साथ मंदिर नहीं आए, वहाँ पर पूल में बैठे हुए हैं। ये हो रहा है यहाँ पर नाश्ता, दीप्ति मैडम नाश्ता कर रही हैं। बिल्कुल कमर अमर बात कर झाड़ू लगाने आए तुम, कैसे अमर बात की तुमने खोलो। ये देखो यहाँ कॉर्नफ्लेक्स है, कर्ड है, चाय है, जूस भी है, तो काफ़ी अच्छा है। अभी पराठे आ रहे हैं भैया अंदर से बुला रहे हैं, तो वो देखो दोनों खाने में लगे मस्त। कल बंद हो गया, कैसा लगा? बंद हो गया, मज़ा आ गया, मैं तो सोचा बंद ही रहो। मैंने बहुत ज़्यादा मैनेज किया हमारे साथ। तो भैया कुछ बता दो अपने रिजॉर्ट के बारे में, कितना पुराना है? 3-4 साल। तो 4 साल से है ये, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो ये देखो हम लोग पूल में हैं अभी सुबह सुबह, इनका तो सुबह शाम दिन रात पूल में निकल रहा है भाई। गाइस हेलो भाई, देखो हम यहाँ पे रुके हैं, इतनी बारिश हो रही है, सब लोग रूम पे हैं और ये देखो ये अपनी रील बनवा रही है वो बारिश में भीग के। तो अब हम लोग हो रहे हैं यहाँ से रिटर्न, बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि हमारे संग कोमोसी आई है, इसको फेंकना है रामनगर इसके घर पे। तो कोमोसी को हमने छोड़ दिया है, वो पता नहीं कहाँ अंदर पड़ी है। और ये लोग यहाँ फोटो सेशन करने लग गए, क्या मस्त लोकेशन लग रही है। फर्स्ट टाइम ओके, अरे वाह मान गए बेटा। तो मैं भी कर सकती हूं। क्या लाइए कोमोसी, क्या लेके आइए दिखा अंशु। ये पके हैं, ये पके हुए आम हैं। और ये सब लोग यहाँ फोटो सेशन कर रहे हैं, तो निकलते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो मिलेंगे ऐसे किसी नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड और तो अभी हमारा इसके बाद बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करते हमें ब्लॉग कह सकते हैं। तो ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ फिर से मिलेगा आपको ये पागल कपल कहीं पर भी मिल सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।